हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। नौवां चैप्टर था जलवायु ऋतु एवं वर्षा। याद रखिए, जितने भी आपके लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। इसमें उद्योग एवं व्यापार के बारे में बात करना है। कृषि विधान वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर है। राज्य की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 14% है। राज्य में जीडीपी में उद्योग का हिस्सा 29.38% है। राज्य के सकल मूल्य में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 27.9% की तुलना में बढ़कर 2014 पंद्रह में 23.85% तथा वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 23.63% है। याद रखिए, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था उसी में सभी नए आंकड़े दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं वो। ठीक है, वो सभी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 वाले में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सूची में सभी पूरा करंट अफेयर्स उसी में डला हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग MSECDP योजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु कटने के अमकोई गांव में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्वीकृति 2012 में, जबलपुर औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डोगरिया तहसील सहपुर में क्लस्टर विकास हेतु 2014 में, सिवनी जिले के औद्योगिक क्षेत्र में भुरकलखापा में क्लस्टर हेतु 2012 में, देवास जिले में नैमावर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 2013 में अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। MSECDP माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु इंदौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र ग्राम बेजेपुर में क्लस्टर विकास हेतु 2015 में, ग्वालियर जिले में रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा 2015 में, शिवपुरी जिले के औद्योगिक क्षेत्र फूड क्लस्टर बड़ौदी में 2015 में तथा रतलाम के ग्राम करमदी में नमकीन एंड एलाइड क्लस्टर के विकास हेतु 2015 में सिद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2015-16 में राज्य के लगभग 28,000 स्थापित हथकरघों में से 21,000 हथकरघे कार्यशील रहे। प्रदेश में 2015-16 में नवीन मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना में लगभग 1685 शिल्पियों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2016-17 में मार्च से सितंबर तक लगभग 1426 शिल्पियों को रोजगार समर्थन दिया गया जा रहा है। मध्य प्रदेश हस्त शिल्प विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में 1981 में की गई थी। किसकी? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब? 1981 में। ठीक है, 1999 में राज्य शासन द्वारा निगम को हथकरघा विकास संबंधी कार्य सौंपने के फलस्वरूप अब निगम का नाम मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम हो गया है। वर्तमान में लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योगों की गतिविधियां संचालित हैं। अभी जो नए सर्वेक्षण आंकड़े आए हुए थे उनमें जाकर देख लें। ठीक है, क्योंकि ये सर्वेक्षण आंकड़े हर साल आते रहते हैं तो बदलते रहते हैं। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। योजना का उद्देश्य विभिन्न जिलों में समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर BPL
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीम लेयर को छोड़कर, ठीक है, महिला, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन हेतु 30% अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान राशि पात्रता होगी। 2016-17 में इस योजना के अंतर्गत 4200 इकाइयों में 4,020.88 लाख का अनुदान वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली थे तब, ठीक है। 30 मई 2015 को होशंगाबाद में नवीन बैंक नोट कागज लाइन के उत्पादन के लिए SPM की नई पल्प लाइन यूनिट शुभारंभ किया है इसने। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 में कुल 6.89 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आए, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 का आयोजन 16 अक्टूबर 2016 को इंदौर में किया गया, जिसमें 42 देशों के 3000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 5,62,000 करोड़ के 2,630 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में पूंजी निवेश वाले उद्योगों को सहूलियत मिल सके और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकें, इसके लिए इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन एंड अप्रूवल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रारंभ हो रहा है। आईटी कंपनी TCS के बाद आईटी क्षेत्र की ही दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने इंदौर में अब तक के सबसे आधुनिक कैंपस की आधारशिला 23 फरवरी 2014 को रखी थी। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति, याद रखना है, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में घोषित की गई थी और वर्ष 2010 में प्रदेश की नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में नादरन, टोला, सतना, निवरानी, खरगोन, जग्गाखेरी, मंदसौर, लम्बतारा अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। मेघनैनी के तहत मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा चलाए जा रहे 10 एम्पोरियम क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, 4 स्थान रायपुर, भिलाई, दिल्ली एवं कोलकाता जो प्रदेश से बाहर हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग महू में है। कहाँ है? महू में। एकमात्र डीजल इंजन कारखाना उद्योग इंदौर में है। हीरे तराशने का केंद्र आपका जबलपुर में है। प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में है। कील व तार बनाने का कारखाना आपका विदिशा में है, ठीक, याद रखना है। मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर गुना जिले के राधौगढ़ में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में औद्योगिक की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली योजना प्रारंभ की गई। ऑटो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के पास भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऑटो क्लस्टर की स्थापना 73.29 करोड़ रुपये से प्रारंभ की गई थी। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए भारत सरकार की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना के अंतर्गत पीथमपुर जिलाधार में विशेष क्लस्टर बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में प्रदेश के 10 जिले, क्या है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में प्रदेश के मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ को शामिल किया गया। शाजापुर जिले में स्थित मक्सी में वनस्पति तेल की इकाई लगाई गई है। मनवार इधार में निजी इस्पात संयंत्र की योजना बन रही है। निर्यातोन्मुख चमड़ा इकाई टाटा द्वारा देवास में लगाई गई। ट्रांसफार्मर कारखाना संयुक्त क्षेत्र में 1976 से जबलपुर में कार्यरत है।
उमरिया में लाख का शासकीय कारखाना है। ग्वालियर में दिया सिलाई कारखाना, इटारसी में चिप पार्टिकल बोर्ड स्लीपर रेलवे स्लीपर बुधनी में बनाए जाते हैं। ठीक है, चंदेरी आपका महेश्वर एवं बुरहानपुर, कौन कौन से, चंदेरी महेश्वर बुरहानपुर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। धातु मूर्ति उद्योग में होशंगाबाद में होता है, धातु मूर्ति उद्योग होशंगाबाद। कंपेस्ड ओरिजिन एंड डिसाल्ट एसिटिलीन उद्योग इंदौर में है। एस्बेस्टस सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में है। इंदौर के पास ऑटो क्लस्टर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में इंजीनियरिंग क्लस्टर प्रस्तावित है। देवास में पानी की समस्या को दूर करने के लिए देश की प्रथम BOT आधारित जल विदाय योजना निजी क्षेत्र के सहयोग से लगाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर मोरेना लिंक रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के समीप IT पार्क स्थापित किया गया। 2012 में खरगोन में नीम खली संयंत्र का शुभारंभ किया गया। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड तथा BPCL द्वारा सागर जिले के आगा सौद बीना तहसील में 6 मिलियन टन क्षमता के तेल शोधक कारखाने की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें 2011 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विदेश में निवेश की सुविधा से 231 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, 19 विकास केंद्र, 4 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र, 12 उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक पार्क स्थापित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों की बात करें, पीथमपुर धार में, पुरैना पन्ना में है आपका, मालनपुर भिंड में, मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला, पालूखेड़ी राजगढ़। याद रखिए, कभी पूछ लेते हैं पीथम कहाँ है, धार में, इस तरह मालनपुर भिंड में, ये याद रखिए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से पीथमपुर धार मध्य प्रदेश में है। इसे उद्योग औषधि और वाहन के संकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीथमपुर धार में मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है। ठीक है, पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग सेंटर विकसित होगा। पीथमपुर धार में, धार को भारत का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक कार निर्माण उद्योग लगे हुए हैं। विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर धार में हीरा परिष्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, विदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क आपका पीथमपुर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में, ये जापान के सहयोग से लगाया गया था। जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है। जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ है, भोपाल में, भेल 1961-62 में, पिपलानी भोपाल तथा नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल 1956 में नेपानगर में स्थापित किया गया था। राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण कारखाना बैतूल देख ही चुके थे हम लोग। बैतूल में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर केट इंदौर में स्थित आणविक अनुसंधान केंद्र है। यह लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। याद रखिए, लेजर उत्पादन होता है यहाँ का, एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। ठीक है, अखबारी कागज नेपानगर हेतु सलाई की लकड़ी का प्रयोग होता है। मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र हैं, इंदौर भोपाल गंजवासुदा। कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, अमलाई नांगदा और नेपानगर। ठीक, आगे बात करते हैं। राज्य की 2 सरकारी चीनी मिलें बरलाई देवास में और कैलारस मुरैना में। मध्य प्रदेश में पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप आपका जबलपुर में है, जहां टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना आपका इंदौर में है। राज्य में रक्षा उत्पादन की 6 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 4 के लिए जबलपुर में है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक केंद्र है पन्ना जिले में। अब रेल पार्क इंदौर में बनाया गया। विजयनगर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने का निर्माण इटली एवं अमेरिका के सहयोग से किया गया। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ इंदौर में स्थापित की गई। इंडो जर्मन टूल की स्थापना इंदौर में की गई, आपकी याद रखना है आपको। तो आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग व विकास केंद्र स्थापना इसकी इंदौर में की है। बुरहानपुर जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिलेटिन बनाने का कारखाना आपका जबलपुर में है। इंसुलेटिंग बनाने का कारखाना आपका देवास में है। खैरवाड़ जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य विशेषतः पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानपुर मुरैना में है। ठीक, कच्चे लाख से सीड लाख तथा सैलाख बनाने का कारखाना शासकीय कारखाना है उमरिया में। ठीक, मध्य प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ाने के और उद्योगपतियों को रिझाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 का अनुमोदन 30 सितंबर 2014 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, उस समय शिवराज सिंह चौहान थे। ठीक है, याद रखिए, तत्कालीन शिवराज मुख्यमंत्री। भारत का पहला निजी क्षेत्र का छोटे हथियार बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में स्थापित किया गया है। भारत की पंज लॉयड कंपनी में इजराइल बीपन सिस्टम के सहयोग से यह कारखाना स्थापित किया है। आपके हैं मध्य प्रदेश में प्रथम उद्योग, तो प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम में स्थापित हुई थी 1934 में। प्रथम सूती मिल की बात करें तो बुरहानपुर 1906 में। प्रथम सीमेंट प्लांट की बात करें तो बानमोर मुनेना में 1922-23 में। प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1948-49 में। ठीक है, नहीं याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, खनिज संपदा पर आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग बानपुर मुरैना, कैमूर कटनी, मेहर सतना, नीमच फैक्ट्री नीमच में। चीनी मिट्टी का उद्योग ग्वालियर जबलपुर रतलाम में। भारी विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना आपका भोपाल में भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, ब्रिटिश के सहयोग से हुई थी। कई बार पूछा जा चुका है किसके सहयोग से लगाया गया था, ये ब्रिटिश के सहयोग से। इसमें जनरेटर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि उपकरण बनाए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग वनों पर आधारित उद्योग, मध्य प्रदेश के वनों पर आधारित उद्योग देखते हैं। तो इसमें है आपका नेशनल न्यूज पेंट एंड पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर में। भारत का प्रथम कारखाना कागज कारखाना है, जिसकी स्थापना 1948-49 में स्थापना की गई। नायर प्रेस सैंडी केट लिमिटेड के नाम से हुई थी और 1949 में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। और प्रथम उत्पादन कंपनी ने 1956 में किया। 1956 में से कंपनी केंद्र सरकार के अधीन हो गई। यह प्रथम भारतीय न्यूज पेंट निर्माण कंपनी है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद में, इसकी स्थापना आपकी 1967-68 में की गई। फिर ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल में है, यह निजी क्षेत्र का कारखाना है, इसमें पुस्तक छापने का कागज बनता है। आगे बात करते हैं हम लोग बैंक नोट फेस देवास, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर 5 या उससे अधिक मूल्य के नोट छापे जाते हैं। महीन कागज टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना आपका इंदौर में है। वीडियो उद्योग की प्रमुख केंद्र है जबलपुर और सागर। लकड़ी चीने का कारखाना आपका जबलपुर में है। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में और बानपुर मुरैना में है। दिया सिलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना आपका ग्वालियर में है। चिप ऑप्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी में। लाख बनाने का कारखाना आपका उमरिया में। ठीक है, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं कृषि पर आधारित उद्योगों की, तो इसमें सूती कपड़ा उद्योग।
कपड़ा के उद्योग में मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरा स्थान है। प्रदेश में कुल 22 कपड़ा मिले हैं जिनमें से अधिकांश बंद हो चुकी हैं। इसका प्रमुख केंद्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर, इसके बाद उज्जैन, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा आते हैं। कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का उद्योग नांगदा, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में है, उज्जैन देवास में। कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग आपका नांगदा ग्रेसिम फैक्ट्री में। ऊनी कपड़े बनाने की इंदौर में 2 कारखाने हैं। ठीक, फिर बात करते हैं चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग, सबसे बड़ा चीनी कारखाना आपका बरलाई में है, कैलारस मुरैना, डबरा, ये भोपाल शुगर मिल सेऊर में, डबरा शुगर मिल्स डबरा ग्वालियर में है, डबरा तहसील है ग्वालियर। ठीक, यही है। जीबाजी शुगर कंपनी लिमिटेड, ये आपका दलौदा मंदसौर में, सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स महितपुर रोड उज्जैन में, जाबरा शुगर मिल्स जाबरा में है रतलाम में। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग अन्य कृषि आधारित तो उद्योगों की बात करते हैं, तो इसमें आपके शामिल होगा कीटनाशक संयंत्र, ये बीना सागर में है, जीवाणु खाद्य संयंत्र, ये भोपाल में, वायल एंड पशु आहार संयंत्र आपका मुरैना में, राज्य का सबसे बड़ा यह यंत्रीकृत प्रक्षेप बाबई होशंगाबाद में, डेयरी फार्म बाबई होशंगाबाद में है। फिर है आपका कृषि आधारित उद्योगों के लिए छिंदवाड़ा जिले के खजूरी तथा पंडुरना क्षेत्र प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग परंपरागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन के लिए के साथ साथ विदेश के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराता है। रेशम उद्योग की बात करें तो कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योग गतिविधियां संचालित हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास संस्थाएं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास संस्थाएं, ये संस्थाएं हैं आपकी, ये मुख्यालय और ये कार्य। तो वित्त निगम, ये इंदौर में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, अभी MPPSC में आपका पूछा गया था। ठीक है, इंदौर में है 1955 में। निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना इसका प्रमुख कार्य है। फिर लघु उद्योग निगम, ये भोपाल में आपका 1961 में इसकी स्थापना हुई, लघु उद्योगों को कच्चा माल एवं अन्य सहायता प्रदान करना इसका काम है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये भोपाल में 1961 में, खादी उद्योगों को बढ़ावा देना। औद्योगिक विकास निगम भोपाल में 1965 में, बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। राज्य उद्योग निगम भोपाल में 1969 में, सरकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना। वस्त्रोद्योग निगम इंदौर 1970 में, मुख्य कार्य शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना। हस्तशिल्प मंडल भोपाल में 1972 में, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हेतु वित्तीय मदद करना। हैंडलूम संचालनालय, ये भोपाल में 1976 में, हैंडलूम तथा पावर लूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। निर्यात निगम 1977 में भोपाल, छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करना। हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल में, माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल में, कृषि पर आधारित उद्योग के विकास में सहायता करना इसका प्रमुख कार्य है। जिला उद्योग केंद्र प्रत्येक जिले में है, उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, याद रखना है।
अब बात करते हैं हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्रों की। SEZ का प्रकार, विकासकर्ता एजेंसी का नाम व पता, प्रस्तावित स्थल। मल्टी प्रोडक्ट सेज, ये आपका औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर में, जिला धार में प्रस्तावित। विकासकर्ता एजेंसी का नाम और पता, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर है। क्रिस्टल IT पार्क इंदौर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, यह है प्रस्तावित जिला इंदौर। मल्टी प्रोडक्ट सेज औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर, ये जिला ग्वालियर में। ITESEZ इंदौर, मेडिकैप्स लिमिटेड इंदौर में, जिला इंदौर। ITITESEZ इंदौर, फारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली, ये जिला इंदौर में प्रस्तावित है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम SEZ सीधी। मेसर्ज हिंडालको इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई, इस सीधी जिले में प्रस्तावित है। मिनरल एंड मिनरल वेस्ट, ओके विकास निगम जबलपुर, हरगढ़ जिला जबलपुर में, ठीक है। सरकार, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है, उद्योगों के का नाम, स्थापना, उत्पादन, ठीक है। रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज रतलाम में 1963-64 में। स्प्रेड एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी 1958, जूते, तंबू, तिरपाल उत्पादन होते हैं। ग्वालियर फोर्टिज ग्वालियर, यह चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन 1962 में स्थापित हुआ था। रंगाई व्यंजन तथा परिष्करण उत्पादन। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में, ठोस कमानी बनती हैं। छाता उद्योग महू में है आपका। इंजीनियर्स इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर में है। देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में है, यहाँ ऊष्मा रोधी उपकरण बनाए जाते हैं। वुड्स एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज आपका इंदौर में है, खेल सामग्री यहाँ मिलती है, उत्पादन होता है। कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में, पंप एवं पंपिंग सेट यहाँ बनाए जाते हैं। मेटल वर्क्स विदिशा में, GI कटीले तार की किलें यहाँ बनाई जाती हैं। साइकिल उद्योग गुना में, साइकिल एवं उपसाधन है। फर्नीचर वर्क्स जबलपुर, फर्नीचर भोपाल उद्योग भोपाल में, फर्नीचर। फिर आपके ये मध्य प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा स्थापित उद्योगों की बात करें तो सनावद कताई मिल सनावद में 1963-64 में स्थापित हुई, सूती धागा से। मध्य प्रदेश में केंद्र राज्य के संयुक्त उपक्रम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, विद्युत यंत्र संयंत्र गोसलपुर जिला जबलपुर, लैम्प्स लिमिटेड ये आपका विदिशा, गिलाय केम इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है। ये है आपके केंद्र और राज्य के संयुक्तन। बात करते हैं मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में, मध्य प्रदेश में है और केंद्र सरकार ने ये लगाए हुए हैं, ठीक है। तो प्रतिष्ठान, संचार मंत्रालय के अंतर्गत, गवर्नमेंट पोस्टल एंड गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर, इसकी स्थापना हुई 1943-44 में। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण यहाँ उत्पादन होते हैं। फिर बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तो आपकी ये गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में 1943-44 में स्थापित हुई है। युद्ध सामग्री यहाँ बनाई जाती है। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में 1943-44 में इसकी स्थापना हुई, युद्ध सामग्री यहाँ बनती है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में 1955 में। रक्षा एवं भारी व्यवसायिक वाहन यहाँ बनाए जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी 1943-44,
युद्ध सामग्री यहाँ बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, युद्ध सामग्री यहाँ बनाई जाती है। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर, कच्चा लोहा यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो उद्योग लगे हुए उन्हें देख लेते हैं। सिकोटी पेपर मिल होशंगाबाद 1967-68 में इसकी स्थापना हुई। नोट छापने का कारखाना यहाँ। करेंसी पेंटिंग पेस देवास में 1943-44 में। कागजी मुद्रा यहाँ बनती है। एल्किल लॉयड फैक्ट्री नीमच रेल मंत्रालय के अधीन है 1975-76 में। अंश परिष्कृत कोडीन और नारकोटीन। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में 1975-76 में रेल डिब्बों का निर्माण होता है। बात करते हैं खनन मंत्रालय के अंतर्गत जो उद्योग लगे हुए हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली सीधी कोयला क्षेत्र। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट तांबा। वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर कोयला। बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट बचीली जिला जबलपुर। राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत दी न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल 1938-39 सूती कपड़ा एवं सूत। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन 1934-35 सूती कपड़ा एवं सूत। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर 1928-29 में सूती कपड़ा एवं सूत। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड इंदौर में है 1907-08 में हुई सूती कपड़ा एवं सूत। कल्याण मल मिल्स लिमिटेड इंदौर 1934-35 में सूती कपड़ा एवं सूत। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर 1906-07 में सूती कपड़ा एवं सूत। भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत कॉटन सीड साल्वेंट एक्सटेक्शन प्लांट उज्जैन में 1963-64 कपास बीज एवं मूंगफली का तेल। आगे बात करते हैं ये आपके कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित उद्योग हैं। ये इकाइयाँ हैं आपकी उत्पादित वस्तुएं। कीटनाशक संयंत्र आपका बीना में है। यहाँ BSC DDT मेलाथिन एवं काल बोरिल उत्पादित होती हैं। जीवाणु खाद्य संयंत्र ये भोपाल में है। राइजोबियम कल्चर एजोटो वेक्टर उत्पादन होता है। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में। सरसों तेल एवं पशु आहार यहाँ। पोषण आहार संयंत्र धार में पोषण आहार। फिर फल संवर्धन इकाई भोपाल में। जैम जेली केचप पेय पदार्थ यहाँ बनते हैं। ठीक, यंत्रीकृत कृषि पीछे भावी में है आपका। प्रमाणित बीज रेशम उद्योग है। फिर आपका एग्रो इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स एवं निर्माण इकाइयाँ 28। बायो संयंत्र ड्रम सोलर कुकर अन्न भंडारण कोठरियाँ ट्रैक्टर एवं बैलचरित कृषि उपकरण बैलगाड़ियाँ टेलर टैंकर यहाँ बनाए जाते हैं। डेयरी फार्म बाबई में दुग्ध उत्पादन होता है यहाँ। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के अन्य उद्योगों के बारे में। ये नाम है उनके, ये शहर हैं। सूती कपड़ा उद्योग ये आपका इंदौर उज्जैन ग्वालियर बुरहानपुर सनावद मंदसौर रतलाम देवास भोपाल खंडवा आदि में। रियान शिल्प उद्योग सिल्क उद्योग ये नागदा इंदौर ग्वालियर में। कैंपाई यान ये देवास में आपका। सेंथेटिक्स यान ये उज्जैन में है। सोडी यान ये देवास में है। फायर विक्रम फैक्ट्री ये जबलपुर कटनी में है। जूट मिल्स ये राजगढ़ में है। सीमेंट फैक्ट्री ये बानपुर सतना कैमूर जामुल शिल्टा मेहर में। चमड़ा उद्योग ये देवास में है। ड्राई बैटरी ये भोपाल में है। मिल स्टील प्लांट इंदौर रतलाम देवास शाहजहाँपुर में है। कीटनाशक दवाई नागदा कुम्हारी में। ठीक है, आगे बात करते हैं बिस्कुट फैक्ट्री आपकी ग्वालियर में है। स्टील कास्टिंग फाउंड्री देवास कुम्हारी बांगरोद ग्वालियर भिलाई इंदौर उज्जैन रीलोड रोलिंग मिन्स मिल्स मंदौर शाहजहाँपुर। टेक्सटाइल मशीनरी ग्वालियर में। विद्युत चालित पंप देवास में। फिर सीमेंट उद्योग स्थापना वर्ष वानमोर कैम फैक्ट्री है 1964
22 में, कैमूर फैक्ट्री 1923 में, सतना सीमेंट वर्क्स 1959 में, मेहर फैक्ट्री 1980-81 में, नीमच फैक्ट्री 1980-81 में। संयुक्त उपक्रम की बात करें तो एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इटारसी जिला होशंगाबाद, दानेदार मिश्रित खाद्य में वायल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में, सरसों तेल एवं पशु आहार यहाँ बनते हैं, पोषण आहार संयंत्र धार में पोषण आहार यहाँ, फल संवर्धन इकाई भोपाल में जैम जेली केचप पेय पदार्थ यहाँ उत्पादित होते हैं, एक्स्ट्रा बोर्ड मिल शाजापुर एक्स्ट्रा बोर्ड यहाँ, पंजीरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल पोषण आहार है। ठीक, प्रमुख कॉम्प्लेक्सों की बात कर लेते हैं। प्रमुख कॉम्प्लेक्स चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, स्टेनलेस स्टील सागर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिदवाड़ा, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर परदेसीपुरा, फार्मा पार्क ये बेटवा धार में। ठीक, याद रखना है आपको, एक बार और याद रखिए, एक बार और देख लीजिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ है? देवास। स्टेनलेस स्टील सागर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिदवाड़ा, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर, फार्मा पार्क बेटमा धार में। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां चैप्टर खनिज, 10वां चैप्टर था आपका उद्योग एवं व्यापार। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ठीक है।